नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। तो ये खुशखबरी भरा वीडियो उन सभी बच्चों के लिए जिन्होंने CUET एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था अभी तक और कहीं पे भी उनका एडमिशन नहीं हो पाया लो स्कोर की वजह से। तो उत्तराखंड की हेमवती नंदन भगोड़ा गढ़वाल यूनिवर्सिटी अंतिम मौका दे रही है आपको BSc फॉरेस्ट्री में और BSc हॉर्टिकल्चर में एडमिशन लेने का, और ये एडमिशन मिलेगा आपको स्पॉट काउंसलिंग के द्वारा। तो जैसे बच्चे, स्पॉट काउंसलिंग क्या होता है कि एक दिन काउंसलिंग रखवा दी जाएगी और उस दिन आपको पहुँचना है। तो ये काउंसलिंग हो रही है थर्सडे को, यानी कि 12 सितंबर को, उस दिन आपको पहुँचना है। उसी के संदर्भ में ये वीडियो है बच्चों। तो देखो, ये स्पॉट काउंसलिंग क्यों हो रही है, मैं सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि UGC चेयरमैन ने ऑलरेडी ये घोषणा की थी कि इस साल 2024 में कोई भी यूनिवर्सिटी अगर CUET के बाद भी उनकी कुछ सीटें खाली रह जाती है तो अपनी सीटों को खाली नहीं रखेंगे, या तो 12th के स्कोर पे या अपना इंटरनल एग्जाम करा के, या जो भी वो यूनिवर्सिटी बेटर समझे उसके थ्रू बच्चों की जो पूरी सीट अपने हर कोर्स में फिल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कोई भी कोर्स की कोई भी सीट खाली नहीं रहेगी। तो उसी को देखते हुए उत्तराखंड की हेमवती नंदन भगोड़ा गढ़वाल यूनिवर्सिटी फटाफट अपनी स्पॉट काउंसलिंग के द्वारा जो है अपनी सीटें को फिल कर रही है। तो उसमें उन्होंने क्या बोला है, कौन इस फॉर्म को भर सकता है। देखिए, ज़्यादा कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं है उनकी। उन्होंने बोला कि 100 नंबर आपके CUET में हैं और 3 एप्लीकेबल जो सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट्री वगैरह के लिए जो चाहिए होते हैं, जैसे आपका जियोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री अगर आपने करा है तो वो आपका चाहिए होता है शायद इसमें ना, तो यही आपको इसमें होना चाहिए। और थर्सडे को आपने जो उनका चौरस कैंपस है ना यूनिवर्सिटी का, यूनिवर्सिटी के 3 कैंपस है, बिरला कैंपस है और टिहरी कैंपस है और उनका एक श्रीनगर का जो कैंपस है, तो श्रीनगर का कैंपस मेरे ख्याल से चौरस कैंपस है, वहाँ पर जाके आपको जो है 12 तारीख को पहुँचना है सुबह 9 बजे तक। तो फॉरेस्ट्री और हॉर्टिकल्चर में इतनी सीटें खाली है, जनरल के लिए 8, EWS के लिए 2, OBC के लिए 2, SC ST कुल मिला के 15 और 19 सीटें, और जो कि काफ़ी सीटें जो कि इनकी खाली है। तो जैसे ही आपका प्रोसेस पूरा हो जाता है और उसके बाद आपने अपनी फीस वगैरह सबमिट करनी है, जो कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट HNBGUCUTSummer.edu.in पे। इसके साथ साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, भाई डॉक्यूमेंट यही है, सर्टिफिकेट, मार्कशीट, हाई स्कूल इंटरमीडिएट रजिस्ट्रेशन, एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, CUET स्कोर कार्ड, फी पेमेंट रिसिप्ट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये और जो बेसिक फोटोग्राफ, आधार कार्ड वगैरह, ये आपको लेके जाने। तो बच्चों देखो, खुशखबरी वाला वीडियो हमेशा मेरे उत्तराखंड का जो चैनल है, मतलब उत्तराखंड का क्या बोलूँ, सभी का चैनल है, लेकिन उत्तराखंड के ज़्यादा वीडियो बनते हैं। टीचिंग एंड लर्निंग हम आप लोगों को करियर हेल्प भी देता है, अगर किसी को 399 रुपीज़ का पे करके करियर हेल्प अपॉइंटमेंट बुक करना है कि क्या 12th के बाद करना चाहिए, तो वो भी हम देते हैं। इसके अलावा शिक्षा जगत की तमाम खबरें उत्तराखंड की जितनी भी यूनिवर्सिटी है, चाहे वो शोभन सिंह जेना यूनिवर्सिटी है, श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी है, कुमाऊं यूनिवर्सिटी है, गढ़वाल यूनिवर्सिटी है, या उत्तराखंड के DLED के जो भी जॉब्स वगैरह, जो भी अपडेट है, हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को कहीं ना कहीं पता चलती रहती है। तो बस बच्चों, यही था इंपॉर्टेंट अपडेट कि भाई स्पॉट काउंसलिंग है, पहुँच जाना, जिसने अपना एडमिशन करवाना है, साल बर्बाद नहीं करना है। हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री में मैंने आपको बता दिया है, और जो भी है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम में भी सारे अपडेट आती रहती है, और इंस्टाग्राम पे भी मैं लाइव आती हूँ, तो वहाँ पे सारी अपडेट मैं कुछ ना कुछ देती रहती हूँ शिक्षा जगत से लेकर, जो आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक बच्चे को हेल्प हो ही जाती है। तो आई होप कि बच्चों वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। बाकी शिक्षा जगत के तमाम खबरों के लिए, पढ़ने लिखने आगे बढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जा सकते हैं, और बाकी किसी को कोई करियर हेल्प चाहिए तो भाई 399 रुपीज़ पे करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, सत्यमेव जयते, धन्यवाद।